जय सिंह नगर वन चौकी से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर वन माफियाओं के द्वारा बेशकीमती सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जहां सागौन के दर्जनों पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई की जा चुकी है। वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अवैध विद्युत केबल डालकर इलेक्ट्रिक मशीनों से भी पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे वन्य प्राणियों को करंट लगने का भी खतरा बना रहता है। दिलचस्प बात तो ये है कि वन चौकी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अवैध कटाई होती रहती है और वन कर्मचारियों को खबर तक नहीं मिलती। इससे साफ होता है कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मिलीभगत से ही इस अवैध कटाई को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह जैसी नगर परिक्षेत्र के जोधपुर बड़ी वीर एरिया की में भी बेशकीमती सागौन के बड़े बड़े पेड़ों की अंधाधुंध कटाई वन माफियाओं द्वारा की जा रही है। इन बेशकीमती सागौन के पेड़ों के डूथ यानी बचे हुए हिस्से और कई ताजा कटे हुए पेड़ों के बड़े होने की तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो वन विभाग की भूमि पर कई लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से वन माफियाओं द्वारा लगातार की जा रही है। स्थानीय मवेशी चराने वालों का कहना है कि वन विभाग के बीट गार्ड इन वन माफियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये गार्ड सिर्फ जंगलों में मवेशी चराने वाले और जंगलों से जालू लकड़ी लाकर बेचने वाले गरीब लोगों पर कार्रवाई करती है। वही इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने डिप्टी रेंजर राजेंद्र मिश्रा को बताया तो उन्होंने मीडिया के दावे को ही पूर्णता झूठ ला दिया और निरीक्षण के दौरान कहीं भी इस तरह कटाई के सबूत न मिलने की बात करने लगे, जबकि मीडिया के कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है कि सागौन के पेड़ों की कटाई के बाद वहां सिर्फ पेड़ों के तने ही बचे हैं। जय श्रीनगर से गोपाल नामदेव की रिपोर्ट। डैश यहाँ पे जो वन रक्षक है, बीट गार्ड है, चौकीदार वो नहीं आते कभी? अब आते हैं तो अपन हैं सब पुलिस वाले, ठीक है। अब अगर जेई मिले होंगे तो अपन का कैसे? अच्छा, तो मतलब कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को मिली भगत है क्या? अब वो मैं अपन नहीं बता सकता, लेकिन जब अपन देख रहे हैं क्या नाम सर, देखा जाए तो जैसी नगर वन परिक्षेत्र में कई सैकड़ों की संख्या में सागौन की अवैध कटाई चल रही है। नहीं चल रही, जहाँ भी अवैध कटाई मिलती है उसको संज्ञान में लिया जाता। देखा जाए सर, जो वन चौकी से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नहीं कम से कम सैकड़ों से अवैध सागौन की कटाई के आपका कथन बिल्कुल असत्य है। आपके साथ चल के देख सकते हैं, हमारे पास सर कैमरे में कैद, कैमरे में कैद है। जो भी अवैध कटाई कहीं भी हुई है उसकी संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की जाए। और सर देखा जाए तो इतने पास की घटना है, यहाँ की बड़ी बीट जो एरिया है जोधपुर, हाँ, वहाँ की बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी कल ही जाके देखा, कई अभी पेड़ पौधे अभी कटे डले हैं वो सागौन के। अब मौके पे जाके अभी देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से भी कटाई चल रही है और यहाँ के जो वन रक्षक हैं वो सिर्फ जो जलाऊ लकड़ी ले जाते हैं उन पर कार्रवाई करती है, मगर जो मोटे मोटे जो सागौन के वृक्ष काट रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोटे वृक्ष जिसने काटे उनका नाम बताया जाए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे जी। मगर सर जिस बीट में जो कटाई हुई है तो आपको उस पर तो कार्रवाई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, आपने बताया है, अभी पिछले महीना भी वहाँ देखने गए थे, अगर आपने बताया है तो अभी जाके देखते हैं। सर पिछले महीने आप देखने गए थे वहाँ पे आपको पेड़ के टूट नहीं मिले थे? नहीं। अगर मगर सर जो देखा जाए तो कैमरे में तो तस्वीरें ऐसी कैद हुई है, कई दिनों से वहाँ पे कटाई चल रही है। नहीं ऐसा नहीं है। और सर विद्युत केबल की भी बात आई, वहाँ पे विद्युत केबल डली है, वहाँ से मशीनों द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनों द्वारा कटाई चल रही है? नहीं हमारे संज्ञान में नहीं आया अभी तक। आप सर निरीक्षण नहीं करते क्या? हाँ करते हैं निरीक्षण, करते हैं। तो फिर ये वृक्ष मिले इस पर क्या कहेंगे आप? कैमरा झूठ नहीं बोलता सर? नहीं, कैमरा जहाँ भी वहाँ जाके स्पॉट पर देखेंगे। आप चलिए संग चल अपन आप साथ में चलते हैं।